तो जो यार नीचे बता दे बाद बाद में मोबाइल में बाद ये गुलाब गुलाब भी कह को फोन में होठ मत भेजो हेलो गाइस गुड मॉर्निंग कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे बढ़िया होंगे। और गाइस इस टाइम हूँ मैंने आप लोगों को पहले बता दिया नंदपुरा गांव यानी कि मेरे गांव में। और ये है प्यार आसा मेरा भतीजा जो खा रहा सुबह सुबह एप्पल। भाई ये देखो क्या खा रहा है एप्पल एप्पल खा रहा है ये। और सुहानी रो रही है ये देखो सबके सब खेत में लग रहे काम करने के लिए हैं। और मम्मी आ गई है देखो एक हाथ में कैनोला बन रहा फिर भी ये काम करने के लिए आ गई भाई। ऐसी स्थिति में भी मतलब बड़े बुजुर्ग काम कर रहे देखो काम भी हो मतलब इनकी जिंदगी में सब कुछ काम है। देखिए सबसे इतनी सारी दुख बीन रही है इधर देखो घास ही घास पड़ा हुआ है तो ये बीन रहे थे तब से। मैं तो अभी अभी आई थी भाई पैसे थोड़ा बहुत करने के लिए। अरे बना नहीं तो कहीं चूल्हा बना हुआ बिजी भाई बंद नानी और भाभी बड़ी मम्मी लग रही चूल्हा बनाने के लिए। मैं अब अभी बताऊंगी आपको पूरे नियम से वही जो रोटी बना रही है एक बार लगाई मम्मी ने ना उधर पटक दी पूरा उन्होंने कहा लगा तब से खेत में लग रहे थे जिधर का हालत देख फिर से कैसी हुई इसकी फिर से मरीज बन गई है। काम करती है मानती है नहीं है सुनती नहीं है बिल्कुल भी राबड़ी तो है पीछे को लगे कतई चरताई मत करे मन से सुध में आ जा और ये तो जूती बा और भैया कर ले तरन दे लिए जब भी तेज जूती बा मैं भी रोटी खा लूं भूख लगी है भाई। अरे ऐसी आ कतई ले ऐसी ये तो गाइस अब खा लेती हूँ मैं खाना। ये भाभी ने देखा था मेरा लहंगा जो मैं पहले की बार आई थी ना तब ये लिया था तो इसको सिलाने पटकना मेरे को तो अभी देख रही है भाभी। ये कोना पर लग रहा भाभी आपे इसकी बाजू हां ये नहीं इसको देखा ना आप स्वर तो दिखे और गाइस मैं नहा धो के आ गई हूँ और तब से मेरी नानी आई ना मेरे काम किए जा रही है। ये देखो इधर बहुत लग रही है वो हारे बना रही है मेरी नानी बैठी बैठी इधर ये देख सकते हो आप दोनों जी जी मतलब कि मेरी दादी और मेरी नानी दोनों लग रही है बुहारा बनाने के लिए। कौन को बता रहा हूँ कोई कौन दीदी सही में कोई नहीं अब तो देख लो मेरा अलावा नानी के अलावा कोई नहीं मैं हूँ नानी है जी जी वीडियो बना रही था मरे तो जीती तो रहे हमें अच्छी लगेगी ना पीछे देखेगा जब हमारे थ्रेटन को क्या हमारी नानी तो इतने बुढ़ापा में इतने काम करे अब की संतान तो इसी होगी कह बाप ठोर तो रहेगी नी थ्रेटन सु काय पता पीछे भाभी कत्ते दरोर हो जाए तो भाई देख भाभी पहले तो इस काम करे ही। देखो नानी लग रही है काम करने के लिए और बहुत सारे बुहारे बना दी नानी ने यहाँ भाभी से बंधे नहीं सही से जो ना नानी ने बांधे। मम्मी तो पता ही आप लोगों को बीमार है मम्मी तो ये देखो केक बने पूरे केक बन गए बोए थे मम्मी ने नानी ने बीज भेजा था इनका मतलब जो बाखड़ झाड़ते ना उनमें काम आता है। 11 बने पूरे 11 तो मतलब 12 महीना को हो गए पूरे है ना झाकने दो ना तो बोल रही बड़े भाई साहब देख रहे हैं शर्म हमारी जेठ से भाभी को हम तो नहीं करते इतनी शर्म कम करते हैं थोड़ी थोड़ी बना लेती हूँ पीछे जेठ रहता है ब्लॉग चलता रहता है मेरे ऐसे बना लो इसको लाज कर लो ना
पीछे वो था। हाँ गाइस ये मेरा जेठ साहब बैठे हैं। बना लो सही में कच्चे बन के बेचारे कच्चे बन के सही नहीं है सही दिख की डोरी है वो। और गाइस नहा के आई हूँ भाई, बाल बहुत गील हो रहे, फोन आ रहा किसी का, तो पहले फोन उठा लेती हूँ। क्या खा रही है, काय खा रही है, दर छिलका कोई खा रही है, हैं? यार छुटकी है, छिलको खा रही है। तो गाइस देखो कितने सारे बुहारे मेरी नानी ने बना दिए हैं, जूम करके दिखाया था, वो थोड़ी दूर है क्योंकि मैं छुटकी के पास बैठी हूँ भाई, तो इस वजह से ये हमारी गुआड़ी देखो कितनी बड़ी है, मैं दिखा दूँ आप लोगों को, यहाँ से इतनी 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 बड़ी हमारी गुआड़ी है, इधर तक ये भैंस मंदिर है ना, ये सारी इतनी बड़ी गुआड़ी, मतलब इसको पूरे को झाड़े तो 2 घंटे में तो गुआड़ी झड़े भाई, इतनी बड़ी गुआड़ी हमारी। तो उसके लिए इंतजाम कर रही है नानी, फुहारा वुहारा उसके लिए बना रही है। तो बस और भाई थोड़ी देर में नानी चल भी जाएगी, देर में नानी चल जाएगी मतलब यही 4-5 बजे, 3 तो बज ही गए हैं। तो बस अभी मम्मी आई नहीं, मम्मी गंगा पर गई है उनको दिखाने के लिए, मीना को और मम्मी दोनों ही उनके दिखाने गई है, तो वो आएगी तब शायद नानी जाएगी। हो सकता है कि मम्मी ना आए, उससे पहले भी जा सकती हैं, क्योंकि आपको पता हॉस्पिटल का तो कोई पता रहता नहीं है कितना टाइम लग जाए, मीना को भी दिखाना फिर मम्मी को भी दिखाना, दोनों हैं। वैसे मैं भी जाती लेकिन मैं गई नहीं, मुझे ना मेरा लहंगा पटकना है भाई, तो इस वजह से, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि किसी दिन जाएंगे मैं और भाभी, क्योंकि भाभी को ना कपड़े खरीदने दीपावली के लिए, दो लहंगा 2-3 लुगड़ी खरीदनी है उसको, तो वो खरीदेंगे ना तब मैं जाऊँगी उनके साथ में। ओके तो ना थोड़ी देर बाद में मिलते हैं, क्योंकि ना अभी मेरे बाल वाल सूत लेती हूँ, ना के आई थी जस्ट अभी, तो बाल नहीं सूते हैं, तो इस वजह से बाद में मिलेंगे। और अभी तो मैंने यहाँ पे आके तो ना कोई रील्स बनाई नहीं है, मतलब एक भी रील्स नहीं बनाई है, तो रील्स भी मुझे बनानी है, तो बस थोड़ा बहुत तैयार हो लेती हूँ और फिर बनाऊँगी। जब भी पहले आती थी तो मनसा और पूजा फ्री होती थी, अब की बार काफ़ी काम है तो बिल्कुल भी मतलब कुछ भी नहीं बन रहा। तो ओके बाय गाइस, मैं जा रही हूँ भाभी की तरफ, क्योंकि जो भाभी ने वो घास फूस भीड़ा ना उसमें लगानी आग, तो मैं जा रही हूँ, मुझे बुला रही है वो। भाई यहाँ पे ना बिल्ली बहुत ज़्यादा दम करती है, बिल्ली बहुत ज़्यादा आती है, तो इस वजह से ना मैं गेट लगा देती हूँ, नहीं तो झूठा कर देगी। तो ये मैंने गेट लगा दिया भाई, और इधर भाभी लग रही है काम, ये देखो तो ना पूरी मतलब दूब वूब उखाड़ के भाभी ने डाल दी थी यहाँ, कल पूरा दिन लगा था उसमें सफाई करने में, तो अब इसको जलाने वाली है, जला भाई, तो आग लगाने वाली है भाभी, अभी देखना कितनी तेज आग लगेगी। भाभी पैप को दूर पटक दी थोड़ा सा, नहीं तो पैप में लग जाएगी भाई, ये गीली है इसमें आग नहीं लग रही है, तो मैं ये कह रही हूँ गीली तो ही अभी तो कल ही तो भीणी है इसको, तो गीली तो रहनी रहनी है। देखो छुटकी आ गई अपनी मामी के पास, छुटकी बहुत रहती है भाई मामी के पास में। कौन है बेटा ये? मामी रोटी का टुकड़े रखा हाथ में और मामी को देख रही है, लगा दो लग रही लसन में या दू आग। देखो गाइस और अब मैं इंस्टा के लिए बना लेती हूँ, बैठ और कुड्डा रह रहा है तो उसको और जलाने वाले हैं, तो भाभी जलाने वाली है छुटकी, मतलब अपनी मामी को अब की बार बिल्कुल नहीं छोड़ रही, पता नहीं भाई भाई क्या। हाय भाई, हाय गाइस, ऐसे बोल दे, बोल भाई, हाय गाइस, बोल भाई, पता नहीं हमारे घर आए ना तब से मतलब है ना सुस्त हो रही छुटकी बहुत ज्यादा, मतलब पहले जैसी नहीं रही बिल्कुल, बहुत ज्यादा सुस्त है वो। पहले भैया लड़ता था, मैं ब्लॉगिंग करती थी, अब नहीं लड़ता, अब तो कुछ भी नहीं कहते, कुनलानी क्या कोई डंडे से लगा लाती नहीं फड़ा। तो भाभी कुछ जुगाड़ लगा रही, देखते हैं उनका जुगाड़ काम करता है कि नहीं करता है भाई। तो ये पन्नी पकड़ गई, उनकी पन्नी में लेके आ रही है, तो पन्नी जल गई, देखो ये देखो ये बुझ गई आग, आ गई कहा लग गई, काम कर रही है नहीं कर रही,
कर गई काम, काम कर गई। देखो गाइस वो भाई भाभी का जुगाड़ भी काम कर गया। मैं सोच रही थी बानी लाके वैसे ही पटकी उसने, लेकिन वाकई में काम कर गया ये जुगाड़। ननद भौजाई का जुगाड़ है। मैं तो बोल रही थी डंडा ले आ, लेकिन इसमें लेके आई है, फिर इसको जुगाड़ दिमाग काम कर गया भाई। काय कर रहा नाना, नो कह रहा करना ना पप्पी कौन जोर जोर से काम करो घास में। गाइस ये देखो भाभी पता नहीं क्या कर रही है काम। अपने पेड़ पौधों की मतलब वो कर रही है, साफ सफाई कर रही है पेड़ के पास में, मतलब बहुत ज्यादा गंदगी फैल रही है तो उसको साफ कर रही है ताकि गड्ढे में कोई भी पानी देने आए तो उसको परेशानी नहीं हो। तो इस वजह से लग रही है वापसी काम करने। ये पेड़ उपाद ये वाला पेड़ है ना, इसका मम्मी ने झाड़ू बनाया था। एक बार दिखाना वापसी किसका पेड़ है, हाँ बीज हो जाएगा उसका, मम्मी ने बोया होगा तो बोलेगी ननद हो जाए, पता नहीं क्या कर दिया। तो देखो ये वाला पेड़ नाम मैं भी नहीं जानती, नाम नहीं जानती वही भाभी जी। चलो कोई बात नहीं, मम्मी जानती होगी। लेकिन नानी लेके आई थी मतलब डाबर का बीज है और यहाँ तक आ गया, और देखो कितना बड़ा बड़ा घास हो गया हमारे यहाँ। तो हम सोच रहे थे यहाँ रील्स बना ले, लेकिन है ना हमारा फोन पकड़ने वाला कोई है ही नहीं, तो क्या करे। मैं भी लहंगा लुगड़ी पहनती लेकिन नाना ही है, वो सोचेंगे कि ये पागल हो गई। ये चीकू का पेड़ है ना, लेकिन इसको रोजड़ी खा गई, रोजड़ी आती ना नील गाय वो खा गई भाई इसको। हमारे बहुत ज्यादा मतलब रोजड़ी बहुत ही हमारे यहाँ, हाँ धनिया लगाने की सोच रही है भाभी, मतलब दिमाग सोच रही है अभी, लेकिन बीज तो है ही नहीं। नाना नाना देख रहे मेरे को कि ये क्या कर रही है। और वो सुनते भी खूब है, नानी तो क्या सुनती नहीं है, तो मैं जो भी वक्ती हूँ ना तो उनको सुना ही नहीं देता इतना, नाना तो सब सुनता है भाई। अरे भाई गन्ने हैं तो गाइस ये देखो इतने सारे गन्ने, लेकिन मतलब बाडो लास्ट में तो बहुत सारे हैं, इससे भी ज्यादा है। आना छुटकी छुटकी जमा मेरे पास गोद हैरान हो गई। राम सिंह भाई बिते घास ही करिए, एक बार मैं कणिया पे ले रखी कणिया कौन से रिटर्न ले, हाथ थक गया, थोड़ी देर बाद में बनाएंगे है ना। और रील्स बना लेते भाई, मनसा या पूजा होती तो, लेकिन पूजा को अभी क्या है वहाँ पे बुला लिया घर वो भाभी ने, दूसरी वाली भाभी है ना उसने, तो वो भाग गई। भाभी अभी तो पड़े हो या नानी को दे देते नहीं, इनको भी तो बना लेती बुला। तो देखो वीडियो मतलब वीडियो में बहुत सारे काम हो गए, आग लग गई और ये वाले हम इधर आए तो ये दिखाए, जो नानी फिर से बना देगी नहीं तो ये रह जाते। और आपको पता है मम्मी की तबीयत ज़्यादा कितनी मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो नानी बना देगी। चलो और तो नहीं है, इसमें ना आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरी मम्मी कितना जुगाड़ करती है भाई अपने लड़के के लिए। मतलब भैया को ना कांचरी की सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब कि बहुत ज़्यादा। तो वो जब भी ड्यूटी से आते हैं तो मम्मी से क्या पूछते हो कि मम्मी कांचरी है कि नहीं, और आज हमारे घर में कांचरी ही बनाई थी, मतलब कल शाम को, आज तो क्या बनाए आज मुझे याद ही नहीं, मतलब खा के मैं भूल गई कि क्या बनाया भैया सब्जी में। और ये देखो मम्मी ने मतलब बेलड़ा लेके आई थी कांचरी का, जो अपन वैसे कांचरी तोड़ के रखते हैं ना तो वो क्या ख़राब हो जाती है, लेकिन मम्मी मतलब पूरी बेलड़ी को तोड़ के लेके आती है और ये बेलनी में लगी हुई होती है। तो देखो कांचरी कितनी कड़क है, इतनी कड़क कांचरी जैसे कि आज अपन खेत में तोड़ के लेके आए, इतनी कड़क कांचरी रहती है भैया। तो ये मम्मी का दिमाग है। तो ऐसे ही मैं बोल रही थी बाडोड़ास में कि ना मेरी मम्मी के तरह कर लेना मम्मी कांचरी आपको स्टोर करनी हो तो आप लोगों से भी बोल रही हूँ मैं कि जिन जिन लोगों को कांचरी की सब्जी पसंद है तो वो स्टोर करते हैं ना, जैसे कि बहुत से लोग बहुत सी सब्जियों को स्टोर करते हैं ना वो फ्रिज में, तो अपन में इतना बड़ा फ्रिज तो होता नहीं कि इतनी सब्जियाँ हम स्टोर कर सकें, तो अपन बेलड़ी को उखाड़ के रख देते ना तो वो भी एक फ्रिज से कम नहीं है, बिल्कुल ख़राब नहीं होती, मतलब बहुत दिन तक चलती है। तो बस मम्मी यही करती है और ये दिमाग देती है मेरी मम्मी को मेरी नानी, मतलब हर जो काम मेरी नानी करती है ना वो काम करती है मेरी मम्मी। और मेरी नानी बहुत अच्छे अच्छे काम जानती है मेरी नानी, मतलब पता नहीं कहाँ से जुगाड़ कर करके क्या क्या कर लेती है भाई। भतीजा भैबाब हाय कर दे, भैबाब हाय। अब भैबाब इतना सा है ना तो मेरे फोन में रहेगा, फिर बहुत बड़ा हो जाएगा बूढ़ा हो जाएगा तब तक रहेगा भैबाब, कि ये छोटा सा था पहले। हाय कर दे ये दे नाना को हंसी आ रही, सूकड़ो कैकड़ो को तई। एक बार मैंने मेरे नाना की तक जूती दही छोटी सी है नानी,
कछु नहीं कर रहा हूँ। देख नानी कितनी अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी लग रही है। अरे उजाड़ हो रही, अब अच्छी आ रही नानी। देख बजी जी तीख सी भात पानी पिला रही है। और नाना बताओ ले लियो फोटो। सफेद बाल हो गए पूरे नाना के, इसे कुर्ता और इसे बाल। यहाँ पहाड़ी में छूटा नाना बोल बोल लो। अरे ब्रदर पेन आओ आगा देखा रे आओ फोटो दाओ फोन में होठ मत भेजो। फोटो कौन अच्छा है शर्म का तो बिन में तो जा बामा सा गार्डन में बिन में तैसा बड़े जान पड़े पड़े बिन में तो जान पड़े। एक काम कर रही तेरे केसी सी होगी करते नहीं बहुत अच्छा आओ अच्छा। तो गाइस देखो ये मम्मी बीमार है और दूध निकालने जा पहुंची भैंस का। ये देखो भाई मम्मी बहुत तगड़ी है। छुट्टी क्या हो गया बेटू? सोनी को बुखार आ गया भाई। सोनी की हालत खराब है बहुत ज्यादा।